चार ओवर का मैच है, सो कैलकुलेट टाइम फॉर दिस मैच इज 20 मिनट्स, नॉट मोर देन दैट। खूब खूब धन्यवाद डॉक्टर गवली सर। सामना शुरू होतो, दीना एंटरप्राइजर्स आणि सनराइजर। यस प्रेटवीन लॉजिस्टिकचे मॅनेजिंग डायरेक्टर आमचे सन्माननीय प्रशांतजी कुमार यांचं स्वागत आणि सन्मान। दीना पाटील साहेब आपण आपल्या शुभास्ते करायचं आहे। प्रशांतजी कुमार आपका हार्दिक हार्दिक स्वागत आहे, सो व्हेरी वॉर्म वेलकम। स्वर्गीय महेंद्र दादा चषक 2024 मध्ये आपलं मनापासून हार्दिक स्वागत। पंच किया था पहली गेंद को एक्स्ट्रा कवर में, इनफील्ड के ऊपर से 4 रन, चौके से खाता खुला है यहाँ पर नवीन शर्मा का, जो कि टीम के कैप्टन भी है सनशाइन। जेवन पाटील किंवा सुभाष धुमाळ जर आमच्या कॉम बॉक्स मध्ये असतील तर आपण आमच्या व्हीआयपी कक्षाशी संपर्क साधायचा आहे। हुक करने की कोशिश, गेंद शॉर्ट फाइन लेग पे, नवीन शर्मा पहुंचे 5 पे, कुल स्कोर दीना एंटरप्राइजेस का पहुंचा है 5 रन बिना किसी विकेट के। गेंदबाजी कर रहे धर्मा। त्यानंतर भरतजी माळी जे माणकोली गावचे शाखा प्रमुख आहेत त्यांचेही स्वागत आणि सन्मान। हरेजी माळी आपण आपले शुभास्ते करायचे आहे। धर्मा सुरेश शेट्टी के लिए फुल टॉस, गेंद फ्लिक कर दिया है, गेंद को आउटफील्ड में डीप मिड विकेट मौजूद है, 1 रन आता हुआ शेट्टी का खाता खुलता हुआ, कुल स्कोर दीना एंटरप्राइजेस का 6 रन बिना किसी विकेट के। यस मित्रांनो आपण पाहतात स्वर्गीय महेंद्र दादा चषक 2024 आणि अगदी पहिल्या दिवसापासून आपण बघितलं की मान्यवरांची मांदियाळी आमच्या मान्यवर कक्षामध्ये स्वागत आणि सन्मान मोठ्या प्रमाणात करण्यात येतं, ते म्हणजे ओंकार युवा सेवा संस्थेचे जे पदाधिकारी आहेत त्यांच्या माध्यमातून स्वागत आणि सन्मान करण्यात येते। कमाल का शॉट, गॅप में खेलते हुए नवीन शर्मा, गेंद डीप मिड विकेट बाउंड्री के बाहर, शॉर्ट अम्प पुल, कमाल का स्ट्रोक, नजाकत ज्यादा थी ताकत कम, 4 रन। केलं जात आहे दीना पाटील फॅम टीम दीना एंटरप्राइजेस 10 रन, आउट होने वाले बल्लेबाज नवीन शर्मा 2 चौके लगाए, नए बैटर निलेश यादव आए हैं। कहते हैं कि महाराष्ट्र में जादो रहते हैं और यूपी में यादव, ये वो फोकस चेहरा है ग्रामीण धनवान को आप देख रहे हैं। वलगाव के उद्योजक जय कुमार जी भोईर तसेच खरं तर महेंद्र दादांचे साळू यांचे स्वागत आणि सन्मान करायचं आहे। आपण पुढे यायचं आहे, वळगावचे उद्योजक आहेत त्यांचे स्वागत आणि सन्मान। हरीश माळे आपण आपल्या शुभास्ते करायचं आहे। इस्मार दबा निकल के मारा है गेंद को, कदमों का इस्तेमाल, मिड विकेट पे खिलाड़ी सिर्फ 1 रन, पहले ओवर की समाप्ति, रन बने 11, विकेट गिरा है 1। ये नुमाइशी मुकाबला चल रहा है दीना एंटरप्राइजेस और सनराइज स्कूल के बीच, इसके बाद बड़ा मुकाबला धानियु बनाम बुनकोटे स्पोर्ट बुनकोटे, पहला सेमीफाइनल। उसके बाद विलास स्मृति रानाल और दीवा स्पोर्ट दीवा, दूसरा सेमीफाइनल। उसके बाद 40 प्लस का पहला फाइनल मुकाबला वीर तानाजी दापोडे और सौटा हिरवा मानकोली के बीच, और उसके बाद ग्रैंड फिनाले। पंकिल गेंदबाजी को आए,
स्वागत है आप सभी का स्वर्गीय महेंद्र दादा मेमोरियल कप 2024 में। फैसले की रात है आज की रात, और इस समय एग्जीबिशन मैच चलता हुआ दीना एंटरप्राइजेस बनाम सनशाइन 11। पहली गेंद ने ओवर की कट करने का प्रयास, मोटा सिरा लगा है, गेंद जा रही है डीप थर्ड मैन की दिशा में, वहां पर पीछा कर रहे हैं फील्डर, पैर से रोका गया है। अच्छा स्टॉप, अच्छा एफर्ट, लेकिन इसी बीच बल्लेबाजों के पास काफी समय था, 3 रन दौड़कर पूरे किए गए हैं। अजय ग्रस, सबसे बड़ी बात है कि इन खिलाड़ियों को लोधा के लश ग्रीन आउटफील्ड पे खेलने का बहुत ज्यादा तजर्बा है। या कार्यक्रमातून रजा घेताना विजय शेठ पाटील साहेब, उद्योगपती दापोडे, तसेच सरिता केनी मॅडम, माजी सरपंच मानकोली, आणि मोसम पाटील साहेब उद्योजक भरोडी, आपलं लाख लाख आभार। इस बार टाइमिंग अच्छी थी, लेकिन बैकवर्ड पॉइंट को बीट नहीं कर पाए, स्विच इट किया था, ओवर थ्रो, उसका फायदा मिलेगा दीना एंटरप्राइजेस टीम को। 2 रन आए हैं, स्कोर आगे बढ़ता हुआ 16 रन 1 विकेट के नुकसान पर। कप्तान नवीन शर्मा आउट हुए हैं, लेकिन अच्छी बैटिंग की, 2 चौके लगाए उन्होंने, 4 गेंदों में 9 रनों का योगदान दिया। अगला मैच काजल स्पोर्ट धानियू और बोनकोटे स्पोर्ट बोनकोटे, दोनों कैप्टन को तैयार रहना है टॉस के लिए। पंकिल की यह गेंद, इस बार स्विंग कर दिया गेंद को, बिल्कुल खाली क्षेत्र में, गेंद जा रही है स्क्वायर लेग बाउंड्री लाइन के बाहर, 4 रन। अच्छा शॉट खेला था, लेग स्टंप पर गेंद थी। काजल स्पोर्ट धानियू के कैप्टन और बोनकोटे स्पोर्ट बोनकोटे के कैप्टन, हालांकि फ्लाइट दिया था वहां पे। काजल स्पोर्ट्स के मैच को देखना ना भूलिए, आंखों से तो काम हुआ है, काजल क्यों बदनाम हुआ है। या ठिकाणी स्वर्गीय महेंद्र दादा चषक 2024 मध्ये या स्पर्धेचे प्रणेते श्री दीना सकाराम पाटील साहेब यांचे बंधू देवानंद पाटील साहेब, आपला हार्दिक स्वागत आहे। आज त्यांचा वाढदिवस सुद्धा आहे, आपण सर्वांच्या वतीने त्यांना वाढदिवसाच्या लाख लाख शुभेच्छा। अच्छी बल्लेबाजी करते हुए सुरेश शेट्टी, इनसाइड आउट ड्राइव किया था उन्होंने, लेकिन बिल्कुल जड़ में रखी हुई गेंद थी, सिर्फ 1 रन पिछली गेंद पर, रन संख्या 21, 1 विकेट के नुकसान पर। पंकिल अगली गेंद लेकर सामना करेंगे नीलेश, ओ गति परिवर्तन, फ्लाइटेड गेंद थी और चकमा देने में कामयाब हुए इस बार बैट्समैन को, बिंदी गेंद आती हुई। इस मैच की ये पहली डॉट बॉल है, हालांकि इससे पहले एक गेंद पर विकेट गिरा है, वो भी आप डॉट गेंद कह सकते हो, लेकिन इस ओवर में पंकिल की ये पहली डॉट गेंद, रुका हुआ है स्कोर 21 रनों पर। ओवर की अंतिम गेंद लेकर पंकिल, फिर से फ्लाइट दिया और फिर से बीट किया, यहाँ पर किनारा लगा है, जी हाँ, बैट्समैन आउट, कॉट बिहाइंड के रूप में विकेट का पतन। दो नुमाइशी मुकाबला चलता हुआ, दीना एंटरप्राइजेस, दीना पाटिल फैम टीम और सनशाइन स्कूल उमाकांत पाटिल फैम टीम। देखिए, सनशाइन स्कूल प्री इंटरनेशनल एजुकेशन है और इसके चेयरमैन भी हैं उमाकांत पाटिल साहब, जो धन्यवाद कमेंट्री बॉक्स। या ठिकाणी अपर्णाताई, मनीलाल पाटील, माजी सरपंच दापोडे ताईंचं या ठिकाणी आगमन झालेलं आहे, आपलं मनपूर्वक हार्दिक स्वागत आहे। तसेच विजेताताई संतोष पाटील, आपलंही मनपूर्वक हार्दिक स्वागत आहे। माजी सरपंच दापोडे आणि संतोष काशीनाथ पाटील साहेब, समाजसेवक दापोडे, आपलं मनपूर्वक स्वागत आहे। ओवर टू कॉम्बॉक्स। मयूर आहे गेंदबाजी के लिए, निकल के मारने की कोशिश, बीट किया वहां पर बल्लेबाज सुरेश शेट्टी को। सुरेश शेट्टी को अगर रन बनाने हैं तो सुनील शेट्टी की तरह दमखम दिखाना होगा। नए बल्लेबाज नॉन स्ट्राइकर से इन पर नीरज तन्ना आए हैं, देखना है तन्ना गेंद को क्या आसमान में तान पाएंगे या नहीं। हालांकि स्ट्राइक के समय सुरेश के पास, इस मरतबा बॉलर बैक ड्राइव फोर्स किया था बैकफुट पे जाकर, बढ़िया फील्डिंग, डीप से आए थे लेकिन थ्रो थोड़ा लेट आया, 2 रन पूरे किए। दीना एंटरप्राइजेस का स्कोर 23 रन 2 विकेटों के नुकसान पे। ओवर नंबर 3 चल रहा है, मुकाबला चल रहा है नुमाइशी दीना एंटरप्राइजेस बनाम सनराइज स्कूल के बीच में। अच्छा शॉट खेला था ऑन द राइज, बॉलर के सिर के ऊपर से निकालने में कामयाब रहे थे। अगली गेंद बोल्ड परफेक्ट यॉर्कर, और जस्ट ने देखिए वहां पर कमाल की गेंद थी, स्टंप्स जड़ में गेंद थी और गेंद ने जड़ से स्टंप उखाड़ दिया।
ठिकाणी व्यासपीठावर स्थानापन्न झालेल्या लोडा अप्पर ठाणे या ठिकाणावरून आलेल्या अर्थातच आलेले जयेश शिंत्रे साहेब आपलं हार्दिक स्वागत आहे. तसेच स्नेहाताई शिंत्रे, तदनंतर प्रार्थना बंडगर, तसेच भक्ती कदम मॅडम, तसेच विशाल कदम साहेब आणि भावना कतिरा मॅडम आपलं मनपूर्वक स्वागत आहे. लगेचच आपण स्वागत आणि सन्मानाकडे वळणार आहोत. नेपालीबाज नंबर 5 पर खेलने के लिए पहुंचे हैं उदय भंडारकर. सुरेश शेट्टी आउट हुए, क्लीन बोल्ड किया मयूर ने. इस बीच फिर बोल्ड, ये यॉर्कर किंग लग रहे हैं. दो यॉर्कर डाले और दोनों डंडा गुल. लकड़ी तोड़ गेंदबाज है ये मयूर, छा गए. या ठिकाणी व्यासपीठावर स्थानापन्न झालेल्या मान्यवरांच्या स्वागत आणि सन्मानाकडे आपण वळतोय. मी विनंती करतोय ऍडव्होकेट सुशांत शाहू साहेबांना विनंती असेल की आपण व्यासपीठावर स्थानापन्न झालेले जयेश शिंत्रे साहेबांचा आपण स्वागत आणि सन्मान या ठिकाणी करत आहोत. जयेश शिंत्रे साहेब आपण पुढे यायचं आहे लोडा अप्पर ठाणे. बिलकुल पीछे की रो में काफी क्रिकेट को लव किया जाता है लोडा अप्पर ठाणे में, जहां के कहीं दर्शक पीछे की रो में दिख रहे हैं. या ठिकाणी लोडा अप्पर ठाणे येथील रहिवासी असलेले जयेश शिंत्रे साहेबांचं या ठिकाणी स्वागत आणि सन्मान ऍडव्होकेट सुशांत शाहू यांच्या शुभ हस्ते आपण करत आहोत. तदनंतर स्नेहाताई शिंत्रे आपणही पुढे यायचं आहे. नए बल्लेबाज डी के पहुंचे है क्रीज पर हैट्रिक गेंद का सामना करने के लिए. इस बार ऑफ स्टंप के बाहर फुलर लेंथ छकाया है बैट्समैन को. एक और बेहतरीन गेंद, गजब की गेंदबाजी करते हुए मयूर. देखिए रुका हुआ है. मैं लोधा में गया था, बहुत ही खूबसूरत ग्राउंड है और वहाँ दर्शक फैमिली वाइज मैच को देखने आते हैं. या ठिकाणी लोडा अप्पर ठाणे येथील रहिवासी स्नेहाताई शिंत्रे यांचं सुद्धा स्वागत आणि सन्मान ऍडव्होकेट सुशांत शाहू यांच्या शुभ हस्ते केला जातोय. सिद्दीक बाबे सर या स्पर्धेचे लॉर्ड सुद्धा आपण त्या ठिकाणी लोडा धाम मध्येच लोडा अप्पर ठाणे या ठिकाणी करण्यात आलं होतं. बिलकुल बॅकफूट पे चले गए, गेंद को खेला है लॉन्ग ऑफ पे एक रन. तदनंतर प्रार्थनाताई बंडगर या ठिकाणी उपस्थित आहेत, त्यांनाही आपण या ठिकाणी या स्पर्धेच्या माध्यमातून आपण त्यांचं स्वागत आणि सन्मान करूया. वहां के टूर्नामेंट भी अजीब रहते हैं, अनिल वजे का दिमाग चलता है. तीसरी गेंद अगर डॉट गई तो 3 रन कम होते थे. लोडा अप्पर ठाणे येथील रहिवासी प्रार्थनाताई बंडगर या ठिकाणी उपस्थित आहेत. आज या ठिकाणी महिलांचा नारी शक्तीचा सन्मान आपण या ठिकाणी करत आहोत. या ठिकाणी भावाळे गावचे नामांकित उद्योगपती यशवंतजी केणे साहेब आपलं मनपूर्वक हार्दिक स्वागत आहे, सुस्वागतम. प्रार्थनाताई बंडगर यांचा स्वागत आणि सन्मान ऍडव्होकेट सुशांत शाहू यांच्या शुभ हस्ते आपण करीत आहोत. तदनंतर भक्तीताई कदम आपण पुढे यायचं आहे. लोडा अप्पर ठाणे येथील हे रहिवासी आहेत, त्यांचा आपण स्वागत आणि सन्मान करतोय. चला भक्तीताई कदम, सॉरी भक्ती कदम मॅडम आपण पुढे यायचं आहे. 3 ओवर का खेल समाप्त हो चुका है, रनसंख्या 24, 4 विकेटों के नुकसान पर. दीना एंटरप्राइजेस टीम पहले बैटिंग करती हुई इस एग्जीबिशन मैच में सनशाइन 11 के सामने. विजय बुट्टी साहेबांना विनंती असेल यापुढील स्वागत आणि सन्मान आपल्या शुभ हस्ते करावायचा आहे. भक्तीताई कदम दानियू टीम के कैप्टन और बोनकोटे के कैप्टन. लास्ट ऑफिशियल कॉल है, आपको संतोष स्मूर्ति टॉस बॉक्स से जुड़ जाना है. तदनंतर विशाल कदम साहेबांना विनंती असेल की आपण पुढे या. लोडा अप्पर ठाणे येथील हे रहिवासी आहेत. इस बार बहुत ही खूबसूरती के साथ गेंद को खेल दिया है डीप स्क्वायर लेग की दिशा में, लेकिन उतनी ही शानदार फील्डिंग. थोड़ा सा विशाल कदम यांचा या ठिकाणी स्वागत आणि सन्मान आपण करीत आहोत बुट्टी साहेबांच्या शुभ हस्ते. तदनंतर भावनाताई कतिरा या ठिकाणी उपस्थित आहेत, हे सुद्धा लोडा अप्पर ठाणे येथील रहिवासी आहेत, त्यांनी या स्पर्धेला भेट दिली. ये गेंदबाज भी ऐसा लगता है कि गेंद छोड़ेंगे ही नहीं, कमाल के गेंदबाज है सिद्धेश, पहले रुकते हैं फिर गेंद को छोड़ देते हैं. गुट्टी साहेबांना विनंती असेल की भावनाताई कतिरा ज्या लोडा अप्पर ठाणे येथील रहिवासी आहेत, ताईंचं आपण करूया स्वागत आणि सन्मान. युवा सेनेचे भिवंडी तालुका युवा अधिकारी पंकजजी घरत आपलं मनापासून हार्दिक स्वागत आहे,
वेलकम। तदनंतर यशवंतजी केणी साहेब भावाळे गावचे उद्योगपति यांनाही आपण सन्मानित करूया। हरेशजी माळी यांना विनंती असेल की आपल्या शुभास्ते त्यांना सन्मानित करायचं आहे। अजिंक्यत बहुत इंटरेस्टिंग गेंदबाज आहे, ऐसा लगता है कि हम रिप्ले देख रहे हैं। कुछ ज्यादा ही धीमी गति से गेंदबाजी कर रहे हैं, फ्लाइट दे रहे हैं, गेंद को हवा दे रहे हैं और स्पिन कराने की कोशिश हो रही है। यशवंत केणी साहेबांचा स्वागत आणि सन्मान। मित्रांनो सांगावंस वाटतं की आगरी महोत्सव भिवंडी मध्ये गेल्या वर्षीची बाईक सुद्धा त्यांनाच लागली होती, लकी ड्रॉ मध्ये या वर्षीची बाईक सुद्धा त्यांनाच लागली, क्या बात है। इस बार नीरज तन्ना ने ड्राइव किया है, हवा में सामने की दिशा में फील्डर मौजूद है, अच्छा एफर्ट वहां पर, गेंद को रोका गया है बाउंड्री लाइन के करीब, लेकिन इसी बीच दो रन लेने का मौका था नीरज तन्ना के पास, दो रनों से बढ़ता हुआ स्कोर। तो यशवंत केने अपने 10 कूपन लेना चाहिए। या ठिकाणी कुशाल पाटील साहेब समाजसेवक अंजूर या ठिकाणी उपस्थित आहेत, अर्थातच उमाकांत पाटील माजी सरपंच अंजूर यांचे ते खंदे समर्थक आहेत, त्यांनाही आपण सन्मानित करूया या व्यासपीठावर। हरेशजी माळी यांना विनंती असेल की आपल्या शुभास्ते त्यांना सन्मानित करायचं आहे। एक बार फिर से डबल लिया है नीरज तन्ना ने, रन संख्या 32, मात्र एक गेंद अब पारी में शेष है। सॉरी एक चुकीची दुरुस्ती, उमाकांत पाटील यांचे बंधू आहेत, लड़के भाऊ, त्या भाऊंचा आपण या ठिकाणी सन्मान। यहां पर मौका बना है लेकिन क्या विकेट कीपर उस मौके को भुना पाए है या नहीं, ये देखने वाली बात है। बल्लेबाज दूसरे रन के लिए पलटते हुए और दूसरा रन भी पूरा कर रहे है, तीसरे अंपायर की मदद ली जा रही है। या ठिकाणी देवानंद पाटील साहेबांना विनंती असेल की व्यासपीठावर स्थानापन्न झालेल्या दापोडे ग्रामपंचायतीच्या माजी सरपंच सौभाग्यवती अपर्णाताई मणिलाल पाटील यांचा स्वागत आणि सन्मान आपल्या शुभ हस्ते आपण करायचं आहे। दीना पाटील साहेबांचे बंधू आहेत देवानंद पाटील साहेब आणि त्यांचा आज वाढदिवस आहे, नक्कीच या व्यासपीठावर आपण केक तर कापणारच आहोत, त्यांच्या शुभ हस्ते आपण अपर्णाताई मणिलाल पाटील माजी सरपंच दापोडे यांचा स्वागत आणि सन्मान, त्यांना मानाची शॉल पुष्पगुच्छ आणि या स्पर्धेची सदोदित आठवण राहावं असं सन्मान चिन्ह देऊन त्यांचा स्वागत आणि सन्मान। तदनंतर सौभाग्यवती विजेताताई संतोष पाटील माजी सरपंच दापोडे ताईंचं सुद्धा आपण स्वागत आणि सन्मान देवानंद पाटील साहेबांच्या शुभ हस्ते आपण करीत आहोत। तिसऱ्या अंपायर का निर्णय काय आहे? सौभाग्यवती विजेताताई संतोष पाटील माजी सरपंच दापोडे यांचा स्वागत आणि सन्मान देवानंद पाटील साहेबांच्या शुभास्ते करीत आहोत। दापोडे गावचे समाजसेवक संतोष पाटील साहेब या ठिकाणी उपस्थित आहेत, त्यांचाही स्वागत आणि सन्मान हरेश माळी यांच्या शुभास्ते आपण करत आहोत। दापोडे गावचे समाजसेवक संतोष पाटील साहेब यांचा स्वागत आणि सन्मान हरेशजी माळी यांच्या शुभास्ते करत आहोत। तदनंतर आपण जाऊया टॉस बॉक्स मध्ये, त्या ठिकाणी सज्ज आहेत आमचे मराठी समालोचक वॉइस ऑफ महाराष्ट्र डॉक्टर गवळी सर यांना विनंती करतोय की आपण टॉस बॉक्स मध्ये दोन्ही संघाचे संघनायक उपस्थित आहेत, आपण टॉस बॉक्स टॉस करून घ्यायचं आहे। खूप धन्यवाद आयोजक पाटील आहे। गवळी सर एक मिनिट, बॅट्समन नॉट आउट है, दो रन मिलेंगे यानी कि कुल रन संख्या 34 और 35 रनों का टार्गेट। येस मान्यवर कक्षा मध्ये आमच्या मान्यवर महिला अर्थात अपर्णाताई पाटील त्या विजयाताई पाटील माजी सरपंच विनंती करना है कि अपने शुभ हस्ते अपने उपस्थित टॉस होना है। मी स्वर्गीय संतोष मोदी टॉस बॉक्स मध्य अपल हार्दिक हार्दिक स्वागत करते, अपना विनंती करते अपन टॉस बॉक्स मध्य अपर्णाताई विजेताताई माजी सरपंच दापोडे उपस्थित टॉस होईल। बोलकोडी संघाचे कॅप्टन त्याचबरोबर कॅज्युअल स्पोर्ट धानिव दोघांचं हार्दिक स्वागत आणि अभिनंदन। आतापर्यंत खूप चांगली कामगिरी, कॉईनची माहिती आहे एक बाजू आपण पाहतोय, आता स्वर्गीय महेंद्र दादा चषक ज्यांच्या नावाने ही, दुसरी बाजू पाहतोय आपण उद्धव बाळासाहेब ठाकरे, दोन्हीपैकी एकाचं नाम निर्देशन आपण करायचं आहे आमच्या मान्यवर प्रतीक या ठिकाणी कॉलिंग करेल। येस मात्र टॉस जिंकलेला आहे बोनकोडे स्पोर्ट बोनकोडे अपर्णाताई त्याचबरोबर विजेताताई आपलं खूप खूप आभार, आपण टॉससाठी आलात, पण एकदम आमच्या मान्यवर कक्षामध्ये स्थानापन्न व्हायचं आहे। बोनकोडे 11 बोनकोडे संघ कॅप्टनने टॉस जिंकलेला आहे, फारसं ओपनिंग घेणार नाही कारण मॅच सुरू होणार आहे,
आपला निर्णय काय? फिल्डिंग. तुमच्या संघासाठी खूप खूप शुभेच्छा असणार आहेत. प्रतीक, जर टॉस जिंकला असता निर्णय काय घेतला असता? बॅटिंग केली असती. क्या बात आहे, टॉस हरल्यानंतर तुम्हाला बॅटिंग आलेली आहे, त्यामुळे दोघांना खूप खूप शुभेच्छा असणार आहे. कोणकोणी स्पोर्ट्स, त्याचबरोबर काजल स्पोर्ट्स धाणीव, यानंतर जी मॅच होणार आहे ती खरं तर फर्स्ट सेमीफायनल, बोनकोडे 11 बोनकोडे विरुद्ध काजल स्पोर्ट धाणीव. बोनकोडे 11 संघ कॅप्टनने टॉस जिंकून क्षेत्ररक्षण करण्याचा निर्णय घेतलेला आहे आणि काजल स्पोर्ट धाणीव संघाला बॅटिंग करण्यासाठी आमंत्रित केलेलं आहे. जाऊया आपण, मॅच सुरू झालेली आहे, त्याचं धावतं असं समालोचन ऐकण्यासाठी लगेचच कॉम बॉक्समध्ये. खूप खूप धन्यवाद डॉक्टर गवली सर. खेल की शुरुआत, पहली गेंद बीमर. बीमर गेंद जरूर थी लेकिन वहां पर रनआउट का अवसर उत्पन्न हो रहा था, लेकिन सटीक थ्रो देखने को नहीं मिला. सिंगल आया है, यानी कि कुल मिलाकर 2 रन्स, जिसके चलते खाता खुलता हुआ सनशाइन स्कूल का. हेमंत और मनोज शर्मा ये 2 सलामी बल्लेबाज क्रीज पर. गेंदबाजी करते हुए दीप सरकार कदमों का इस्तेमाल ड्राइव करना चाहते थे, लेकिन बल्ले के काफ़ी अंदर लगी गेंद और सीधे बॉलर की दिशा में चली गई है, कोई रन नहीं. फ्रीड गेंद थी, फ्रीड गेंद का फायदा नहीं उठा. यस, मानिक जी केणी मानकुली गाँव के समाज सेवक सामाजिक कार्यकर्ते सुधा उपस्थित झालेले आहेत, त्यांचं स्वागत आणि सन्मान करायचं आहे. मानिक जी केणी, 35 रनों की चुनौती इस मैच को जीतने के लिए.